24 तारीख को पूरे देश के कोयला खदान के मजदूर हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसमें हमारे एक यूनियन 23 तारीख से हड़ताल का नोटिस दे दिया और 5 दिन के उन लोग तो वापस करेंगे, क्या करेंगे वो आप समझ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जितने भी लोग हैं ट्रेड यूनियन के, इंटेक, एटेक, एचएमएस, C2, AITC और एक टू, वो लोग सब पूरे देश में सिंह, इसलिए हम लोग सिंगरैनी से लेकर के आसाम कोल फील्ड तक और इधर जितना भी कोल इंडस्ट्रीज है उसमें हम लोग सब हड़ताल पर जा रहे हैं। 28 अगस्त 2019 को भारत की केंद्र भाजपा सरकार ने पूरे कोल इंडस्ट्री को, कोल इंडिया को 100% FDI करने का निर्णय लिया। आप और हम जानते हैं कि इंदिरा जी ने 17 अक्टूबर 1971 को देश के तमाम कोकिंग कोयला खानों का और बाद में 23 जनवरी 1973 को तमाम नॉन कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया था। इंदिरा जी के एक आदेश पर देश के 7.5 लाख कोयला मजदूरों को सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन आज 48 वर्ष में इस कोकिंग कोयला खान के राष्ट्रीयकरण का और आज भाजपा सरकार इतिहास के चक्र को उल्टा घुमा रहा और FDI 100% FDI करने से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश जब होगा इस 100% निजीकरण हो जाएगा, 100% विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में ये सरकार ऑल इंडिया को हाथ में सुपुर्द करेगी। यानी सबसे बड़ा चीज है कि भाजपा के सरकार की दृष्टि में विकास की परिभाषा ही बदल गई। आज तक देश चलाने वाले लोग ये समझते थे कि देश का निर्माण देश चलाने वाले लोग के दिमाग में था, मजदूर और किसान के बल पर ये देश बनता है, लेकिन इस सरकार के दिमाग में है कि धरना सेठों के बल पर ये देश चलता है, धरना सेठों पूंजीपतियों के बल पर ये सरकार ये देश चलता है और उससे ही विकास होता है। और इसलिए हमारे पास सरकार ने सरकार को निर्णय करने का अधिकार है, सरकार को सरकार है, संख्या में बहुसंख्यक में है, सरकार सत्ता में है, भाजपा की सरकार है, लेकिन जो वादा किया था इस देश में जितने सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं उसको हम मजबूत करेंगे, लेकिन आज देश के तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को पब्लिक सेक्टर को ये बर्बाद करें। आप ये भी जानते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने किया था जिसमें 3.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी, आज सरकारी नौकरियां छीनी जा रही हैं और मजदूरों को ये जब पूंजी विदेशी पूंजी निवेश होगा तो मजदूर जो है गुलाम हो जाएगा, मजदूरों की आय घट जाएगी, मजदूरों की सर्विस सिक्योरिटी घट जाएगी, सोशल सिक्योरिटी समाप्त हो जाएगा, मजदूरों का ग्रेच्युटी समाप्त हो जाएगा, पेंशन समाप्त हो जाएगा, मजदूरों के 60 बरस सेवा करने का अधिकार समाप्त हो जाएंगे, जो पूंजीपति चाहेंगे वो होगा। जबकि दुनिया का कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में 3 कंपनियों में से एक। खिड़की खोल दो ना, ये वाला खिड़की खोलो। उधर से भी खोल दो। सामने तो बाइक से प्लान ले लेते, आप इधर बैठिए ना, इसमें टेबल है ना। मैं काय के लिए आपका चालक क्या दीदी का शिकार बनूं? इंडिया के ये हमारे AK झा साहब हमारे राष्ट्रीय कुलेरी मजदूर संघ के महामंत्री हैं, हमारे गिरजा शंकर पांडे जी जो CC